में काला धान लगाने के नाम पर किसानों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। ग्रामीणों के मुताबिक मसीजा फूड एग्रोटेक कंपनी ने ग्रीन प्लैनेट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के नाम से योजना बनाई है। महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, बालोदाबाजा, दुर्ग, बालोद, बेमेतवा के 1500 से ज्यादा किसानों के साथ करार किया गया और 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से काला धान दिया। साथ ही कंपनी ने यह भी वादा किया गया कि 50 रुपए किलो की दर से दिए जा रहे काले धान की फसल जब निकलेगी तब कंपनी उसे 2600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदेगी। किसानों को लगा कि कंपनी के साथ जुड़कर उनके तो दिन बदल जाएंगे, जिसके बाद फसल होने पर कंपनी ने किसानों की उपज खरीद ली और बदले में चेक से भुगतान कर दिया। लेकिन एक साल से ऊपर का वक्त हो चुका है, आज तक चेक से पेमेंट नहीं हो पाया और कई लोगों के तो चेक भी बाउंस हो चुके हैं। सभी जिलों के किसानों की बात की जाए तो 3000 एकड़ जमीन पर कुल 12000 क्विंटल काले धान की फसल का 3,12,00,000 रुपए कंपनी पर बकाया है। ऐसे में परेशान स्थिति में किसान कर्ज में डूब चुका है और समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर करे तो क्या करे। किसानों से ठगी का मामला सामने आने के बाद महासमुंद पुलिस अधीक्षक ने जांच के बाद कार्रवाई की बात की। शिकायत मिलने की बात स्वीकार करते हुए जल्द से जल्द किसानों का पैसा दिलाने की बात भी कर रहे हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि किसानों से एक बड़े पैमाने पर ठगी का ये मामला सामने आने के बाद अब प्रशासन, पुलिस और निजी कंपनी पर किस तरह से कार्रवाई करती है। सिंह के माध्यम से हम लोगों को ब्लैक राइस मिला था और उस धान को एग्रीमेंट के साथ में उसको हम खरीदेंगे बोल के हम लोगों से किसानों से एग्रीमेंट करवाया गया था। ये ग्रीन प्लैनेट का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट चलाता था, अब वो फर्म का नाम ही नहीं है। बाफना के माध्यम से की समस्या ये है, पिछले 1.5 वर्ष पूर्व डॉक्टर सेन ने इन किसानों से एग्रीमेंट करके ब्लैक राइस चावल की खेती कराई थी कि इस शर्त पे कि उस धान को हम 2200 रुपए के दर से 2600 रुपए के दर से खरीदेंगे और पूरी खरीदी हमारे द्वारा होगी। इसके लिए उन्होंने बकायदा हमको ऐसा नहीं है कि सभी के पैसे कुछ दिए नहीं गए हैं, कुछ लोग हैं जिनके कोई पूरे पैसे नहीं दिए गए और बहुत सारे लोग हैं जिनमें किसी के आधे पैसे दिए गए हैं तो किसी के 40% पैसे दिए गए हैं। बाकी लोगों को चेक दिया गया था, उनके पूरी होल जो अमाउंट बनता था उनके धान का, तो उसके बाद रेखराज साहू जो गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ उस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। रेखराज, क्या कार्रवाई हुई है अब तक? कार्यवाही जो है शिकायत मिलने के बाद जो है स्पीकर द्वारा किया गया था कि शिकायत मिलने के बाद पर कार्यवाही करने की बात सूचित किया गया था, जो अभी तक कोई कार्यवाही जो है किसानों के प्रति नहीं दिखाई दे रहे हैं। कितने लोगों का भुगतान हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम अगर बात करें जिले के कप्तान की बाइट सुन रहे थे एसएसपी साहब की, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का भुगतान हो चुका है, कुछ लोगों का 40% हुआ है, कुछ का 50% हुआ है और कुछ का नहीं हुआ और कुछ के चेक बाउंस हो चुके हैं। तो ऐसे कितने लोग बताए जाते हैं जिनको वाकई में उनकी फसल का धान का पैसा मिल गया? जी, निर्धारित आंकड़ा तो अभी उपलब्ध नहीं हो पाया, लेकिन 1500 से 1600 किसान जो है इससे पीड़ित है, जो भुगतान अभी तक उन लोगों को नहीं हुआ है। साथ ही जो है 12000 क्विंटल धान बेचा गया था जिसकी कुल कीमत जो है 3,12,00,000 रुपए था, जिसका भुगतान जो है करने की कोशिश संबंधित फर्म द्वारा चेक देकर के किया गया था, लेकिन चेक भी बाउंस होने के कारण किसान परेशान हो गए और किसानों को जब उचित अपना भुगतान नहीं मिल पाया तो वो जो है जिले की तरफ कूच किए और एक बार फिर से एसपी सर को इस संबंध में अवगत कराया गया। जो जिले के जनप्रतिनिधि हैं, जाहिर सी बात है उनके संज्ञान में भी ये मामला होगा, उनकी तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से क्या मदद की जा रही है इन लोगों के लिए? जनप्रतिनिधि जो है लगातार किसानों के संपर्क में है, किसानों द्वारा उस दिन जनपद में भी इकट्ठा होकर के सभी किसानों के द्वारा एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया था कि हम लोगों को मुआवजा जो है मिलर्स के द्वारा मिला जाए, और जिस किसान जो है बता रहे थे कि अगर मुआवजा नहीं मिलने की कगार पर जो है आर्थिक स्थिति का संकट का सामना करना पड़ेगा। साथ ही जो है आत्महत्या की चेतावनी भी दी प्रशासन को दिया है कि हमें भुगतान अगर नहीं होता है तो हम जो है आत्महत्या करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी मिलर और प्रशासन की रहेगी। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। एक तरफ तो मध्य प्रदेश सरकार